दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं जॉन कीट्स के पार्ट टू को। पार्ट वन हमने कल इन द मॉर्निंग आपको प्रोवाइड करा दिया था, आज हम पार्ट टू आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो उसके एमसीक्यू नंबर 25 हमने पहले कर लिया था, आज 26 का नंबर है। 26 से आगे को आज हम कवर करेंगे। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन कीट्स किस एज में डाइड हो गए थे, आपको आंसर देना है इसका। ऑप्शन है 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी है 30 एंड ऑप्शन नंबर डी है 26। जी हाँ, 26 करेक्ट आंसर। नाउ एमसीक्यू नंबर 26, जॉन कीट्स डाइड ऑफ, जॉन कीट्स किस बीमारी से मरे थे, ऑप्शन नंबर ए है कैलोरा, ऑप्शन नंबर डी है कंसम्पशन, ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड एंड ऑप्शन नंबर डी है रीनल फेलियर। गिव द आंसर, किस बीमारी से जॉन कीट्स की डेथ हुई थी। अगर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कंसम्पशन तो आपका आंसर करेक्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 29, द ओड्स ऑफ कीट्स आर, जो कीट्स की ओड्स हैं वो कैसी हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रेगुलर, ऑप्शन नंबर बी है इरेगुलर, ऑप्शन नंबर सी है बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर एंड ऑप्शन नंबर डी है नाइदर रेगुलर नॉर इरेगुलर। बताइए आंसर दीजिए इसका। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए रेगुलर तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ एमसीक्यू नंबर 30, कीट्स पोयम ला बेले डैमसेंस मर्सी इज, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए बैलेड, ऑप्शन नंबर बी है अ सोनेट, ऑप्शन नंबर सी है एन ऑड एंड ऑप्शन नंबर डी है एन एलिजी। क्या है ये, बैलेड है, सोनेट है, एलिजी है या फिर ऑड है। नाउ गिव द आंसर। दोस्तों अगर आपने चूज़ किया है अब बैलेड तो आपका आंसर सही है, बाकी रिमेनिंग जितने ऑप्शन हैं सब गलत हैं। दोस्तों आपको बताना है ला बैलेड एम सेंस मर्सी का मीनिंग क्या है। नाउ आंसर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। नाउ एमसीक्यू नंबर 31, द ईयर वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स कैरियर, कल्मिनेटिंग पॉइंट्स कहा गया है उसे कीट्स के कैरियर का, वो सन बताना है आपको। ऑप्शन नंबर है 1817, ऑप्शन नंबर बी है 1818, ऑप्शन नंबर सी है 1819 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1821। नाउ गिव द आंसर। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट जो हमारा पार्ट वन है उसमें हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर सी 1891। नाउ एमसीक्यू नंबर 32, विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स हैज़ द थीम ऑफ अ फेटल मैजिकल लव ल्यूरिंग मैन टू हिज डूम। इसका ऑप्शन चेक कर लीजिए, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ऑप्शन नंबर बी है लव बैलेड एम सेंस मर्सी, ऑप्शन नंबर सी ऑड टू साइके एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। आपको बताना है करेक्ट आंसर। जी अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी लव बैलेड एम सेंस मर्सी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ एमसीक्यू नंबर 33, द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी एज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है निगेटिव कैपेबिलिटी। ऑप्शन है रॉबर्ट हैरिक, ऑप्शन नंबर बी जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर सी एस टी कॉलरिज, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ब्राउनिंग। जी करेक्ट आंसर है आपका जॉन कीट्स। नाउ एमसीक्यू नंबर 34, इसे आप खुद रीड कर लें, काफ़ी लेंथी है। जी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी ह्यूमैनिटेरियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर 35 है, इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर डू आई मेक और स्लीप, ये किस पोयम में आई है। ऑप्शन नंबर ए है ओड टू ग्रेसियन अर्न, ऑप्शन नंबर बी है ओड टू साइके, ऑप्शन नंबर सी है ओड टू नाइटिंगेल एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। बताइए ये लाइन्स जो आई हैं किस पोयम में आई हैं। करेक्ट आंसर होगा ओड टू नाइटिंगेल। नाउ एमसीक्यू नंबर 36, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, हु इज़ हेयर स्पोकन ऑफ, ये क्या है, किसने लिखा है ये। शैले, आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी है कीट्स। करेक्ट आंसर भी कीट्स ही होगा। नाउ एमसीक्यू नंबर 37, विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाई कीट्स कंटेन अ पोयम हाइपेरियन, हाइपेरियन जो है वो जॉन कीट्स के किस वॉल्यूम में आया था। फर्स्ट वॉल्यूम में, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड वॉल्यूम में, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड वॉल्यूम में एंड ऑप्शन नंबर डी है फोर्थ वॉल्यूम। आपको करेक्ट आंसर देना है कि हाइपेरियन किस वॉल्यूम में आया था जॉन कीट्स के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थर्ड वॉल्यूम।
नाउ एमसीक्यू नंबर 38, कीट्स वॉज अ विक्टिम ऑफ रेप ऑन द नकल्स। द अंडरलाइन ईडियम्स डिनोट, ये ईडियम जो है किसको डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर ए एप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है सिवियर क्रिटिसिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी है लाउड अप्रूवल। आपको आंसर देना है कि ये जो वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, क्या डिनोट करता है ये इस ऑप्शंस में। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी सिवियर क्रिटिसिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 39, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चोज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। ये वर्ड्स हैं जो किसी राइटर्स ने अपनी जो उनकी ग्रेव है उस पर लिखने के लिए कार्व किया है, ठीक है। हेयर इज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर, यह किसी ग्रेवयार्ड पर लिखा हुआ है? कीट्स, बायरन, स्विनबर्न, मिल्टन, आप जानते ही हैं क्योंकि हम जॉन कीट्स को कवर कर रहे हैं, जॉन कीट्स का ही आंसर होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं ये सब, तो इसको आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 40, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। किसका जॉन कीट्स के पास लाइसेंस था इनमें से लेकिन उसने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है? ऑप्शन नंबर ए फार्मेसिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है आर्किटेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंजीनियर एंड ऑप्शन नंबर डी है लॉयर। आपको आंसर देना है ये कौन सी डिग्री थी इनके पास, ये लाइसेंस कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने कभी, उसकी स्टडी की थी मगर। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए फार्मेसिस्ट तो आपका आंसर करेक्ट है, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन गलत। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाई जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर ए है एनियड, ऑप्शन नंबर बी है इलियड, ऑप्शन नंबर सी है ओडेसी एंड ऑप्शन नंबर डी है वुलगेट। नाउ गिव द आंसर, कौन सी इनमें से जो बुक है वो ट्रांसलेट की गई है? अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर एनियड। नाउ एमसीक्यू नंबर 42, व्हाट कॉज जॉन कीट्स डेथ। जॉन कीट्स की डेथ का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर सी है निमोनिया एंड ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जी ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरक्लोसिस। नाउ एमसीक्यू नंबर 43, हु सेड कीट्स वॉज ग्रीक। ये किसने कहा कि कीट वॉज ग्रीक? ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी कॉलरिज, ऑप्शन नंबर सी लैम्ब एंड ऑप्शन नंबर डी शेले। बताइए ये स्टेटमेंट किसने कहा है कीट्स के लिए? अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी शेले तो आपका आंसर करेक्ट है। नाउ एमसीक्यू नंबर 44, द मोस्ट नोटेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज। मोस्ट नोटेबल करेक्टरिस्टिक बताना है हमें कीट्स की पोइट्री का। ऑप्शन नंबर ए सेटायर, ऑप्शन नंबर बी है सेंसुअलिटी, ऑप्शन नंबर सी है सेंसुअसनेस, ऑप्शन नंबर डी है सोशल रिफॉर्म। बताइए क्या है मोस्ट नोटेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री? नाउ गिव द आंसर। अगर आपने चूज़ किया है नंबर बी तो आपका आंसर गलत है, सेंसुअलिटी नहीं है। अगर आपने चूज़ किया है सोशल रिफॉर्म तो भी आपका आंसर गलत है, सटायर भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सेंसुअसनेस ये सही आंसर है। नाउ ऑप्शन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। लेक स्कूल से कौन बिलोंग नहीं करता है? जाहिर सी बात है कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और साउथ से करते थे तो कीट्स नहीं करते थे वहाँ से बिलोंग, आंसर कीट्स होगा। नाउ एमसीक्यू नंबर 46, विच वर्क वॉज डिस्क्राइब बाई कीट्स एज अ फेवरिस्ट अटेम्प रेदर दैन अ डिग्ड एकम्पलिस्ट। बताइए कौन सा वर्क इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन नंबर ए एंडीमियन, ऑप्शन नंबर बी हाइपेरियन, ऑप्शन नंबर सी है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नाउ गिव द आंसर। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी हाइपेरियन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ एमसीक्यू नंबर 48, कीट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वॉज फ्रॉम। कीट्स ने अपनी एक ओड है उनकी कोई, उसका नाम बताना है आपको, उसका एक फर्स्ट स्टैंजा था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, ड्रॉप कर दिया उसको, उस पोएम का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है ओड टू साइके, ऑप्शन नंबर बी है ओड टू मेलनकली, ऑप्शन नंबर सी है ओड टू अपोलो, नंबर डी है ओड ऑन इंडोलेंस। नाउ गिव द आंसर। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी
और टू मेलंकली, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ एमसीक्यू नंबर 49, विच पोएम ऑफ कीट्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स। हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, दे आर फोर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। ये जो लाइन्स हैं ये कीट्स की किस पोएम में आई है, और ये अभी हमने डिस्कस किया भी था। ऑप्शन है ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ऑप्शन नंबर बी है ऑड टू अ नाइटिंगल, ऑप्शन नंबर सी है ऑड ऑन मेलंकली, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। नाउ गिव द आंसर। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, तो आपका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 50, टू हुम कीट्स यूज द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम। टर्म है एक, इसका नाम है ईगोटिस्टिकल सबलाइम, ये कीट्स ने यूज़ की है, लेकिन किसके लिए यूज़ की है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है कॉलरिज, ऑप्शन नंबर बी शैले, ऑप्शन नंबर सी है बायरन, एंड ऑप्शन नंबर डी है वर्ड्सवर्थ। बताइए किसके लिए यूज़ की है टर्म। अगर आपने चूज़ किया है कॉलरिज तो गलत, चूज़ किया है शैली तो गलत, आपने चूज़ किया है बायरन तो गलत। जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा वर्ड्सवर्थ। दोस्तों आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारा सेकेंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट हम जॉन कीट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का भी बहुत जल्दी आई थिंक कल को ही इन द मॉर्निंग आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।